सो हेलो भाई लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवर पावर स्टडीज, जिसका होस्ट और दोस्त आपके सामने खड़ा है। तो आज हम लोग देखने वाले हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना क्या है कि हमारे आसपास की जो वास्तुएं हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और बकवास के बाद। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पहला टॉपिक जो है हमारा मैटर। तो मैटर क्या है हमारा, तो मेटर जो है, कार्स वाला मेटर मत समझिएगा, कार्स में जो होता है हमारा एक मेटर, आपका ये लाइटनिंग मैक्वीन के साथ ही। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने देखा है कार्स, कार्स का तीनों सीरीज देखे हैं। तो पहले हम इसको समझते कार्स बाहर हो जाए। ठीक है, तो मेटर क्या है हमारा, मैटर, तो मैटर क्या है हमारा वो देखते हैं हम लोग। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, जैसे कि हम है, आप है, ये फोन है, ये मार्कर है, ये कैमरा है, जो भी है, ठीक है, जो भी इधर प्रेजेंट है उसके पास कुछ ना कुछ मास है, ये कुछ जगह हम यहाँ रख लेंगे। तो बोल अगर ये फालतू में रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते रख लेते, तो हम क्या बोलते है फालतू में जगह फेंकता है, जगह ले लेता बस, तो वैसा मतलब क्या उसके स्पेस भी ले रहा है अपने आस पास का, तो इसलिए वो क्या है हमारा मैटर यानी वास्तु। ठीक है, एंड हैव मास, कुछ तो मास भी है इसके पास, कुछ मास है कि नहीं है। अब वो अगर मास है तो अब वो जानते हैं बनता किससे है, तो इट इज मेड अप ऑफ एटम। तो भैया हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ एटम लिखते हैं, उसका स्मॉलेस्ट एंटिटी जो होता है वो क्या होता है एटम, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंटिटी, एंटिटी ये होता है उसका एटम। अब आप लोग बहुत जन होता है कि पहले से पढ़ के रखता, बोला जाता है कि स्मॉलेस्ट एंटिटी एटम कैसे हो गया, उसका अंदर भी तो उसका सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो ना होना चाहिए। तो भैया अगर आप अलग से, आप इधर मान लेते हैं आप अलग से यहाँ पर प्रोटॉन ले लिए, ठीक है, प्लस अलग से इलेक्ट्रॉन ले लिए, अलग से न्यूट्रॉन ले लिए, ठीक है, ये सब स्मॉलेस्ट। अब ये अलग अलग क्या आपका दिखाया, जैसे कि अगर हम इसको अलग अलग करके रख दिए तो क्या आपको ये दिखाया कि ये, हाँ ये प्लास्टिक का है या पॉली एटॉमिक कोई आयरन है या वाटर का ही है, बता रहा है कि इसमें वाटर है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, कुछ पता चल रहा है नहीं। लेकिन जब हम इसको हम लोग सेट करते हैं यहाँ पे अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, साइड में इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन रहा, यहाँ पे अंदर एक प्रोटॉन रहेगा, ठीक है, जनरल में जो होता है एक प्रोटॉन रहता है, हाइड्रोजन आटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आइटम में बस एक प्रोटॉन होता है, उसका आइसोटोप जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, नहीं ड्यूटेरियम तो सेकंड, जिसमें दो एक न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम और एक पॉलीट्रियम, क्या होता है सर हमको याद नहीं आया ठीक से अभी नाम, ठीक है, मैटर पढ़ाने बैठे तो इधर एटम मॉलिक्यूल्स में चले गए, थोड़ा दिमाग सब मतलब आप लोग जानते हैं आपके क्लास में सब कुछ हमको ही पढ़ना पड़ता होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका क्या, जब ये पूरा ऐसा जब आपका बन जाएगा, ये जो आपका पूरा इस टाइप का अगर आपका शेप बनेगा, फिर से तुम लकवा खा जाएगा, ये आपका कुछ इस टाइप का जब बन जाएगा, कुछ मतलब एक जो आपका टोटल एक एटम बनता, तब वो आपका किसका प्रॉपर्टी शो करेगा, हाइड्रोजन का, भी सिंगल सिंगल कुछ शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए जो होता है स्मॉल एंटिटी किसको मानते हैं हम लोग, एटम को मानते हैं। ये तो हो गया, अब इससे आपको क्या पता चल गया मैटर होता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑक्यूपाई स्पेस मास कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये जो था मैटर था, तो अब मैटर का कुछ और जो है हम लोग, ये तो हो गया आपका फिजिकली, अब केमिकली क्या क्या होता है वो थोड़ा देख सकते हैं हम लोग, कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिना केमिकली केमिकल्स और बिना केमिकली प्रॉपर्टी का केमिकल प्रॉपर्टी का कोई चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैटर का जो हो गया आपका, ठीक है, तो मतलब कि आपका कुछ इस टाइप से मैटर बनेगा, जैसे कि इसके अंदर ढेर सारा अंडा, दूर भी हो सकता है पास भी, अगर आप कौन सा आप ले सकते हैं स्टेट, जैसे कि लिक्विड में थोड़ा दूर होता है, गैस में और दूर हो जाता है, सॉलिड में एकदम चिपका हुआ रहता है, तो उसके मुताबिक वो होता है। जैसे कि ये मार्कर सॉलिड है, सॉलिड ही ना है, इसके अंदर का ही लिक्विड है, और ये जो आप हमारा आस पास जो है वो क्या है हमारा गैस है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है तो इसमें मतलब एटम्स जो है चिपका हुआ है, इसके अंदर का जो लिक्विड इंक है वो इसका थोड़ा सा दूर है, और जो हमारा सराउंडिंग का एयर है वो बहुत ज्यादा गैप है। तो अब हम लोग ये की समझ सकते हैं, अगर इसका एटम चिपका हुआ है या फिर लिक्विड का एटम थोड़ा सा और थोड़ा सा दूर है लेकिन वो पास ही है, और गैस का एटम दूर है मान सकते हैं, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं चीज, ठीक है,
इससे हम लोग पहला पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं कि मैटर के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसका एटम का भी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर। इंटर जैसे कि होता है कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन ऐसा होता है, तो वैसा ही हो जाता है यहाँ पे इंटरमोलिकुलर। तो इट यहाँ पे मैटर का हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे एटम का कैसा केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, तो पहला जो हमारा क्या निकल गया, दे हैव क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ, कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और आपका क्या हो जाता है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये हो गया। अब जैसे कि ठीक है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट अगर आपका आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा इसको छोड़ते पहले आप ये वाला देख लेते हैं। अब लिक्विड में जैसे कि आपका जो है लिक्विड इंक है इसके अंदर, उसके बीच में अगर कुछ गैपिंग है तो उसका मतलब क्या, कुछ तो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, तो इसको हम लोग दूसरा क्या लिख सकते हैं, दे ऑल्सो, ऑल्सो मत लिखे चलेगा, दे ऑल्सो हैव इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अब आपका सॉलिड ही रहता है, ठीक है, ये प्लास्टिक है सॉलिड है, तो हम लोग इसको ऐसे बेंड तो कर, हल्का सा एकदम थोड़ा सा बेंड होता है, मतलब कि सॉलिड का भी पार्टिकल कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, चिपका हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ गैप रहे समझने के लिए, वैसा नहीं कि क्योंकि हम लोग का जो नाइन्थ केमिस्ट्री है उसमें तो आपका लास्ट का जो चैप्टर है उसमें तो गलती है, इतने पढ़ाई गई कि बच्चा सही क्या समझे सब गलत ही समझ लेता है, ठीक है। ये तो क्या दे है, इंटरमोलिकुलर स्पेस हो गया। अब हम लोग अगर एक एक्सपेरिमेंट देखें, ठीक है, कि आप क्या किया ना कि आपके अगर घर में कोई ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर कोयला तो होगा ही, किसी में तो गोईठा तो होगा, तो वो जो गोईठा क्या बोलता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में अपल ना ऐसा कुछ बोलता ना, ठीक है, तो उसको जलाइए, उसका धुआं आप उस ग्लास में कलेक्ट कीजिए, उसको क्या कीजिए, सेम ग्लास लेंगे खाली, उसके ऊपर ढकी और उसको एक बार हिला दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे शेक कर दीजिए, तो उसके बाद आप क्या देखिए कि दोनों ग्लास अगर आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, कांच वाला जो होता है ग्लास, वो अगर हो तो आपको बाहर से पता चल जाएगा कि क्या होता है वहां पे, जो हमारा मतलब कि हम कुछ इस टाइप से रखे हैं, इसमें क्या है हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है, इसमें जो हमारा क्या है, इसमें हम लोग का भरा स्मोक, तो जब हम लोग इसको शेक करेंगे तो इसमें स्मोक है, ठीक है, शेक करने के बाद हम लोग क्या देखेगा, शेकिंग के बाद, ठीक है, शेकिंग के बाद हम लोगों को इस टाइप से दिखेगा, इसमें भी स्मोक का पार्टिकल्स आ गया, इसमें भी स्मोक का पार्टिकल्स आ गया, तो इसके मतलब क्या हो गया हमारा कि एक तो इससे हम लोग पता चल गया क्या कि पार्टिकल्स क्या करता, मूव करते रहता है, ठीक है। नंबर थ्री, ऑल पार्टिकल्स मूव, ठीक है, उसका पार्टिकल्स मूव करता। अब मूव मतलब ऐसा है नहीं कि खाली वो इधर से उधर, जैसे कि लिक्विड में तो आप लोग देख सकते हैं कि वो मूव करता, फ्लूइड है वो, सिंपली आप देख सकते हैं मूव कर रहा, एयर भी मूव करता। अगर बोले यार सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, वहां वाइब्रेशन होता है। जैसे साउंड प्रोड्यूस कब होता है, जब आपका वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन आपका सबसे ज्यादा प्रोपागेट किसमें करता है, साउंड, सॉलिड में करता है। जो हम लोग एट में पढ़े थे, साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, कितना, कुछ 5000 अप्रोक्स था ना, 5000 किलोमीटर पर सेकंड था ना, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली हमको याद नहीं है, ठीक है। साउंड चैप्टर भी पढ़े नहीं है फिजिक्स में, पढ़ लेंगे तो वो भी बनाना ही है, ठीक है। और पार्टिकल्स मतलब क्या करता, मूवमेंट करता रहता है, ये हम लोग को इससे पता चला। तब मूवमेंट करता है तो क्या करेगा, मिक्स करेगा, तब मूवमेंट कर रहा तो कहाँ मिक्स करता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो खाली है हमारा, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल क्या है हमारा, एयर है, ठीक है, यहाँ पे आपको कलर पता चला स्मोक का, लेकिन सिर्फ स्मोक ऊपर नहीं जा रहा, इसका जो एयर है वो भी नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं कि बस हम लोग देख रहे हैं कि स्मोक ऊपर जा तो बस स्मोक ही जा रहा है, लेकिन ऊपर से एयर भी नीचे आ रहा है, क्योंकि लेकिन वो एयर जो हमारा ट्रांसपेरेंट है इसलिए वो पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो गैस का बीच का जो स्पेस खाली होता है ना, वो दोनों वो सब मतलब भर जाता है वो, अगर हम लोग जैसे कि क्या एग्जांपल लें, हाँ ठीक है,
जैसे कि इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस के लिए एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे पानी में हम लोग चीनी घोलते हैं या नमक घोलते हैं, ठीक है, तो नमक घोलने के बाद हम लोग क्या देते हैं, पानी का जो सरफेस का जो लेयर है, हम भले इतना नमक घोल दें, ठीक है, इतना पानी में, लेकिन जो आपका जो होता है सरफेस का जो एरिया हो जाता है वो उतना ही रहता है, ठीक है, जितना आपका वॉल्यूम रहता है उतना ही रहता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाके वो सॉल्ट पार्टिकल, मतलब कि जैसे कि हो गया आपका ये है आपका, ठीक है, ये है यहाँ उसमें आपका पानी भरा हुआ है, आप क्या लेते हैं एक चम्मच जो है, ड्रॉइंग तो अच्छी नहीं है मेरी, इसे बनाएगा, एक चम्मच जो है आप क्या लेते हैं नमक लेते हैं, उसको क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं। तो ये जो आप नमक डाले हैं इसमें, ठीक है, ये जो आप नमक डाले हैं इसको अगर हम लोग कुछ इस टाइप से देखें, ठीक है, यहाँ पर आपका मतलब ऐसा आपको होना चाहिए कि इसका जैसे कि वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, कॉमन सेंस वाला बात चलिए, लेकिन होता क्या वहां पे नहीं बढ़ता है। क्यों, अगर हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें या एटॉमिक लेवल पर बोल सकते हैं, तो उसमें आपका क्या होता है वाटर का मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हम ब्लैक से इंडिकेट कर दिए हैं इसमें, ठीक है। तो जो हम लोग सॉल्ट डालते हैं तो कहां जाता है आपका, जब सॉल्ट डालें, ठीक है, सॉल्ट डाल दिए उसमें तो कहां जाएगा, इसी मॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में कहीं 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 मेयरली जो आपका मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मेयरली जो है कि वो कहीं कहीं मिक्स होता है, ठीक है, वो आपको अगले सेकंड चैप्टर में समझ में आएगा, ठीक है, कि हम मेयरली शब्द यूज क्यों किया मैं, ठीक है, सेकंड चैप्टर नॉट सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर। तो ये तो हो गया आपका जी कुछ प्रॉपर्टीज हम बता दिए, ठीक है, ये जो हो गया आपका कुछ प्रॉपर्टीज बता दिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हम लोग 5-4 से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब स्टेट्स ऑफ मैटर कुछ देख लेते हैं हम लोग, स्टेट्स, इधर स्टेट्स का मतलब राज्य मत समझ लीजिएगा कि झारखंड बिहार बंगाल ये सब ना समझिएगा, ये स्टेट्स का मतलब उसका प्रकार प्रकार, ठीक है। तो पहला तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे सॉलिड, आप लोगों के साथ सॉलिड लिक्विड गैस मेनली हम लोग को ये देखना, आप 9th में तो हम लोग को दो और बताया जाता है, एक हो जाता हमारा प्लाज्मा, एक हो जाता आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसको हम लोग सिंपली लिख देते बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको हम अगले पार्ट में देख सकते हैं, अगले वीडियो में, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो है कुछ अलग ही लेवल का, क्योंकि बीईसी में कौन आते हैं हमारे आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन का तो बुद्धि आप जानते ही है कैसा बुद्धि है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो सॉलिड कैसा होता है, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसके प्रश्न देखते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस सिंपली देते हैं, ठीक है, स्पेस आप लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस सीखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, इसमें हो जाता है नेग्लिजिबल लगभग हो जाता है नेग्लिजिबल, ठीक है, इसमें मॉडरेट मतलब हल्का सा, इसमें वेरी हाई, ठीक है, नेग्लिजिबल मॉडरेट वेरी हाई, ठीक है। अब यहां इसका हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम तो वॉल्यूम मतलब क्या, कितना भर सकता है, अगर हम एक पेन को हम अपने हाथ में रखें तो भी उतना ही वॉल्यूम ले रहा है, हम इसको कोई और कंटेनर में डाल दिए, जैसे कि कोई कंटेनर है आसपास, तो मेरे आसपास तो अभी कोई कंटेनर नहीं है, तो उसमें भी तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम ऑलवेज सेम आप बोल सकता हूँ, कि वो कंटेनर को फिल नहीं कर सकता, मतलब कि जितना हम लिए हैं उससे आपका कंटेनर फिल नहीं होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इट कांट फिल कंटेनर, फिल द कंटेनर या फिर कंटेनर, और इसमें जो क्या हो जाता है लिक्विड, भले इसका वॉल्यूम चेंज, इसका शेप चेंज होता है, लेकिन जो इसका जो होता है इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा भैया, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये भी आपका फिल नहीं कर सकता, अगर आप इतना पानी लिया, आपका ग्लास जो है इतना बड़ा है, आपके पास पानी इतना है, मतलब कि आपके पास पानी है
इतना मार्कर करेगा आपका पास ग्लास इतना बढ़ते है। आप भले इसका शेप चेंज करके डालिएगा, इसको मतलब कि भले शेप चेंज हो सकता है लेकिन क्या आपका ये कंटेनर फिल करेगा? नहीं करेगा। तो ये इट कांट फिल कंटेनर, ठीक है। अब आपका गैस, इसका तो आप जानते हैं इसका बहुत ज्यादा ही मतलब भागते रहता है, कुछ ज्यादा ही नच बलिए वाला आदमी है, नाचते रहता है। तो ये जो आपका फिल कर जाएगा, इट कैन फिल, ठीक है, कंटेनर। अब हम लोग वॉल्यूम और स्पेस देख लिए, थोड़ा जो हम पहले वॉल्यूम और स्पेस बता दिए सबको, पहले क्या बताएगा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे कैसा होता है, फिर वो कैसा टफनेस है, कैसा रिजिडनेस है, उसका कैसा वॉल्यूम शेप रहता है, वो सब, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी स्पेस देख लिए, वॉल्यूम देख लिए, अब हम लोग देखते हैं शेप। तो शेप जो होता है कैसा होता है, इसका सेम रहता है ऑलवेज सेम, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, चेंज कैसे चेंज करता है, विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ठीक है। इसका भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इसका भी सेम रिजल्ट पे डाला जाएगा अपना, ये भी चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। अब ये हो गया स्पेस, हो गया वॉल्यूम, हो गया शेप, हो गया। अब क्या बचा हम लोग का, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस तो बोल दिया, इस तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोल दिया, सॉरी। और क्या बचा हमारा, ठीक है, ये हो गया आपका स्पेस, वॉल्यूम, शेप। और हम लोग क्या देखते हैं, टफनेस या सॉरी टफनेस बोलते सॉरी कंप्रेशन, क्या बोलते कंप्रेशन, हम किसको कितना कंप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये कैन नॉट या नेग्लिजिबल, ठीक है, कैन नॉट ही होता है वैसा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, पी आर ई डब्ल्यू एस ई कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड, ठीक है। मॉडरेट, इसका कैसा होता है, मॉडरेट होता है, इसका हाई होता है। अब गैस का भी इसका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो हम उसको दबाएंगे तो आराम से दब जाएगा, सॉलिड का बीच में बहुत कम है तो उसको दबाने पे नहीं दबेगा, लिक्विड के बीच में थोड़ा सा है उसको दबाने पे भी वो दब जाएगा थोड़ा सा, है कि नहीं, है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग और भी है इसमें पॉइंट्स, ये तो हो गया आपका स्पेस, शेप, वॉल्यूम, कम दबाने वाला क्या बोलेंगे उसको, जो भी कंप्रेशन या जो भी बोल सकते हैं, तो और कुछ बचा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो होता है आपका हाई होता है, इसका मॉडरेट, मेल्टिंग पॉइंट बता रहे, और ये तो ठंडा है इसको क्या बोलिएगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट नहीं, हम कुछ और बता रहे हैं, हम जो हम लैटिन ठीक आ गया, ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, आपको जा ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका कितना किसम पॉइंट में करता है, चौथा। और एक पॉइंट है आपके पास, क्या है वो, आपका डेंसिटी ले सकते हैं, डेंसिटी तो वही आ गया, ठीक है। तो और एक पॉइंट जो है वो है, अब वो देख सकते हैं कि हम लोग इंटर मॉलिकुलर स्पेस से निकालेगा, ठीक है, किसे निकालेगा, इंटर मॉलिकुलर स्पेस से। तो कैसे निकालेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें जो होता है हाई हो जाता है तो इसलिए सब चिपका हुआ है, इसमें मॉडरेट रहता है, ये लिक्विड सब में मॉडरेट रहेगा, ठीक है, और इसमें लो रहता है, ठीक है। ये होगा हाई मॉडरेट लो, सिंपल क्लियर कट, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आगे अब कहाँ बढ़ना है हम लोग को, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए हम लोग, तो अब हम लोग को पढ़ना है एक और टॉपिक जो है हमारा, वो क्या है हमारा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल्स देख सकते हैं सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, तो वो तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो, उसको समझना में क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है। आप लोग तो आसपास
ये सॉलिड है, इसके अंदर का लिक्विड है, बाहर का एयर गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और बोर्ड सॉलिड है, इंक लिक्विड है, मेरा अंदर का बहता हुआ खून लिक्विड है, और क्या क्या लिक्विड है वो सब जानते हैं, पानी लिक्विड है, हवा गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। ये तो हो गया हमारा। हाँ, लेकिन मैटर में क्या नहीं आएगा आपका, जो हम साउंड जब हम बोल रहे हैं वो आपका नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा, ये सब आपका मैटर में नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, डिफ्यूजन देखते हैं, डिफ्यूजन या आप इसको कंप्रेस वाला देख सकते हैं, कंप्रेस तो हम बता दिए कि उसके पीछे जो मॉलिकुलर स्पेस के कारण जो होता है, तो इसको आप एक तरीके से बोल, तो डिफ्यूजन में आप चलते हैं हम लोग, तो डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन जो है हमारा क्या है, तो डिफ्यूजन तो हम लोग ऐसे हिंदी भाषा डिफ्यूजन मतलब क्या, कोई भी चीज डिफ्यूज कर रहा है, फिर डिफ्यूज मतलब क्या होता है, मिलता है, कोलाइड करता है, या बहुत कुछ आप बोल सकते हैं उसको, वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपका वो क्या होता है, तो आपका मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक जनरल जो होता है, हम लोग का क्या होता है, इसका एक जनरल जो है हमारा वो होता है, हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट। खुजली बड़ी हो रहा है आज, पता नहीं किस लिए, तो खुजली रे, तो हट पर पटाख दबा दो, खुल जाएंगे ये हाथों में खुजली, बहुत बड़ा बात, अस्तर जाके अभी नहाना पड़ेगा। बिजली में जन्म होता है ना, सेल होता है, डिफ्यूजन, ठीक है। तब डिफ्यूजन क्या होता है आपका, इसका डेफिनेशन, द स्प्रेडिंग स्पेडिंग ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस या पार्टिकल लिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस ऑफ पार्टिकल्स इन एन मीडियम, मीडियम इज कॉल्ड, क्या कॉल कराएगा वो, डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। ये जो जस्ट स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस और पार्टिकल इन एन मीडियम, एम ई डी आई यू एन, क्या राइटिंग है मैंने, वाह वाह, डॉक्टर का पोस्ट मिलेगा ना हमको ऐसे राइटिंग के लिए, डिफ्यूजन। ये डॉक्टर का राइटिंग ऐसा होने का कारण है कि वो लोग को इतना इतना सब आप लोग जानते हैं, इतना बायो में हम लोग का पढ़ने में इतना नाम याद रखने में हालत खराब हो जाता है, तो वो तो बायो भी लेके पढ़ते तो आप समझ ही सकते हैं क्या हालत होती है उनकी, ठीक है, इसलिए उनका राइटिंग जो है कुछ हद तक खराब हो जाता है। तब डिफ्यूजन कैसा होता है, ठीक है, तो डिफ्यूजन देखते हैं, डिफ्यूजन अब तीन स्टेट है, तीनों स्टेट में डिफ्यूजन होगा, गैस, पहले गैस का देखते हैं, फिर जो है हमारा लिक्विड, फिर जो है हमारा क्या, सॉलिड। तो गैस में होगा, अब गैस में जो गैस टू गैस डिफ्यूजन ज्यादा अच्छा हो, जैसे कि आप अगरबत्ती जलाते हैं या जब बाहर घूमने निकलते हैं मस्त शीश परफ्यूम मारते हैं, तो उसका स्मेल जो होता है क्या करता है, आपके सराउंडिंग के साथ डिफ्यूज करता है, डिफ्यूज मतलब मिल जाता है, कैसे मिलता है कि आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ से अपना अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, अगरबत्ती समझते हैं हम लोग, अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका क्या होता है, आपका जो उसका फ्रेग्रेंस होता है वो बाहर निकलता है, फ्रेग्रेंस, तो जो फ्रेग्रेंस होता है वो क्या करता है कि सराउंडिंग के जो एयर पार्टिकल्स है उनके बीच का स्पेस में जाकर वो जाता है और मिल जाता है उसमें, तो इसलिए जो होता है वो आपका डिफ्यूजन वहां होता है। तो डिफ्यूजन जो है आपको किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो गैस में ज्यादा होता है तो इसमें जल्दी होगा, फास्ट होगा, ठीक है, लिक्विड में कम होता है, इसलिए जब आप देखते हैं जब दूध में पानी मिलाते हैं तो कुछ देर तक जो है आपका पानी का लेयर होता है हल्का सा ऊपर दिखता है, गौर किया होगा कोई, तो इसमें थोड़ा सा स्लो होता है, सॉलिड बहुत साल लग जाता है, बहुत दिन बोलेंगे इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, तो डिफ्यूजन होता कैसे है, ठीक है, यही ना क्वेश्चन आया। तो अगर आप मान लीजिए हम इसके पीछे जो है हमारा एक ग्रीन बोर्ड भी है,
तो अगर हम उस ग्रीन बोर्ड में नीचे में तो अगर हम उस ग्रीन बोर्ड में अगर हम लिख के कुछ 20 साल या ऐसा कुछ टाइम पे छोड़ दे तो वो आपका दिखेगा, उसको मिटाने पे भी नहीं मिटेगा। या फिर आप पानी से लिखते हैं, पानी वाला चौक भिगा के आप चौक पर लिखते हैं तो भी वो क्या करता है, आपका डिफ्यूज कर जाता है, उसको मिटाने पे बहुत मुश्किल होता है मिटाने में। सॉरी, पे और मे में तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। मैंने अगर ये कर दिया मैं तो हिंदी के व्याकरण का सब ऐसा का तैसी कर दूंगा, फिर ऐसा का तैसी ऐसी की तैसी। ठीक है, तो इसमें स्लो होता है, सॉरी इसमें वेरी स्लो होता है, इसमें स्लो होता है, इसमें फास्ट होता है। ठीक है, ये हो जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन भी खत्म। अब आपका एक होता है जो हम लोग समझते हैं टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, जो हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं हम लोग, सेल्सियस। हम लोग क्या सोच के बताया, हम जब नाइन्थ में नहीं सोचते, पहले हमारे दिमाग में था सेल्सियस होता है, लेकिन नाइन्थ में आने के बाद पता चलता कि अरे तेरी कहां से केल्विन आ गया। तो केल्विन जो होता है वो होता है हमारा एसआई यूनिट। तो केल्विन तो आपका एक व्यक्ति का नाम है, क्या साइंटिस्ट थॉमसन केल्विन, और कुछ सेल्सियस का भी क्या अंडेरस सेल्सियस ऐसा कुछ ही नाम था। रुके, स्पेलिंग ANDE, क्या स्पेलिंग था बॉस, क्या कुछ अंडर सेल्सियस ऐसा ही कुछ नाम है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, गूगल कर लीजिए। ठीक है, गूगल करने में किसका क्या जाएगा। तो कुछ ऐसा ही नाम था उसका, रुकिए हमको याद आ गया तो अच्छी बात है। तो अंडरस ना, तो कुछ होगा अंडरस, तुमका भी अभी लगवा मानना था सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो सकता है, हमको ठीक से स्पेलिंग याद नहीं है, बाकी नाम सही है, ऐसा ही नाम होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट है मेरे में। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ ये होगा, 1% श्योर नहीं है, क्योंकि बी पॉजिटिव होने पर ही हमेशा सब कुछ हासिल होता है। तो ये जो था, ये इन्होंने किसका यूनिट दिया था, सेल्सियस स्केल दिया था इन्होंने, केल्विन स्केल दिया था। तब देखिए, सेल्सियस को हम लोग, एक तो फारेनहाइट भी होता, ठीक है, फारेनहाइट, तो उसका भी कौन फारेनहाइट ही दिया था, भी नाम, सबका नाम, इतना नाम कैसे याद रह गया। तो आपका जो हम लोग एक जानते हैं कि फारेनहाइट का स्केल में डिग्री फारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 9/5 C (+32) करते हैं। तो ये जो आपका आएगा डिग्री सेल्सियस में आपका, ये फारेनहाइट में आ गया। ठीक है, तो और जो है आपका, तो यही से आपका फॉर्मूला सी का क्या आता है आपका, तो एफ -32 × 5/9 ये आता है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, एफ -32 × 5/9। ठीक है, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो जाता है आपका 37 °C, और डिग्री फारेनहाइट में 98.4 or 98.6 °F। तो यहाँ से तो आपको सिंपली क्लियर कट पता चल रहा है कि डिग्री सेल्सियस जो है बड़ा है, मतलब कि ज्यादा डिग्री सेल्सियस होगा तो जो है आपका ज्यादा हीट होगा, उतना ही अगर हम दोनों अगर इक्वल कर दो, ज्यादा डिग्री सेल्सियस होने तो मतलब ज्यादा होता है। और आपका केल्विन का बात हुआ, लेकिन केल्विन जो है आपका डिग्री का साइन नहीं लगेगा, डिग्री का साइन ना लगाए उसमें, वो आपके सेहत, शरीर और पेपर और फ्यूचर के लिए तो नहीं बोल सकते, आगे अगर आप, क्योंकि एक गलती के बाद तो इंसान सीख ही जाता है, अगर आप नहीं सीखे तो आप नालायक है, तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं। तो इसमें केल्विन में डिग्री ना लगाए तो क्या हो जाता है आपका C (°C) + 237 273 होता है ना डिग्री, दिस इज ओनली केल्विन। ठीक है, तो जैसे क्या हम अगर हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर निकालते हैं, ह्यूमन बॉडी का केल्विन में, तो हो जाएगा आपका 37 + 273 = 7 × 10 = 3 × 10 = 11 × 3 = 10 केल्विन, डिग्री नहीं ओनली केल्विन। अब इसको केविन मत बोल दीजिए, केल्विन नहीं है। ठीक है,
नहीं तो ये भी आपके सेहत के लिए जो है, ये आपके सेहत के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। अब वाचे का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस 200 केल्विन में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यू नो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 373 डिग्री केल्विन, ओनली केल्विन नॉट डिग्री केल्विन, ओके। तो ये तो हो गया, कुछ साइंटिस्टों ने जो है अपने खुरापाती दिमाग के कारण हम लोगों की जिंदगी खराब कर दी। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, क्या है वो हमारा अगला टॉपिक, तो जो है हमारा तो चेंज इन स्टेट। अब लोग स्टेट ऑफ मैटर तो पढ़ लिया, तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर भी जरूरी है पढ़ने, तो चेंज इन स्टेट जो हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग, फिर तुम बोला हमारा चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो कैसा चेंज होता है हम लोग कैसा जानते हैं, बर्फ लिए, बर्फ को गर्म कर दिया, पानी बन गया, पानी को और उबाल दिए तो वो हवा, तो वो हवा बन गया, और अगर हम पानी लिए, पानी को ठंडा कर दिया तो वो इधर बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और हवा लिए तो हमारा वाटर वेपर जो ऊपर जाता है वो ऊपर जाके ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो तो बादल बनता है, बादल से मतलब पानी बनता, मतलब कि ठंडा होने पे वो पानी बन जाता है, फिर वो ठंडा होने पे वापस वही बन जाता है। और जो है आपका एक और कंडीशन है इसमें कि आप अगर गैस जो आपका सॉलिड है वो आपका एक डायरेक्ट गैस में जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस से बिना वाटर बिना लिक्विड लेयर को गुजरे, ठीक है। क्या बताया मैंने, अच्छा ठीक है, क्या बताया, तो समझ नहीं आया तो समझते हैं थोड़ा। तो पहला तो होता है हमारा एक चार्ट बना लेते हैं हम सिंपल सॉलिड, यहाँ पर डैश मार देते हैं लिक्विड, लिक्विड, फिर यहाँ पे भी एक डैश बना देते हैं गैस, ठीक है, ये बन गया हमारा चार्ट। तो यहाँ पे एक सॉलिड को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, मतलब इन साइंटिफिक टर्म वी कॉल इट मेल्टिंग, ठीक है, वी कॉल इट मेल्टिंग, ओके ओके। तो इसको जो हो गया हमारा मेल्टिंग होता है, हम अभी टेम्परेचर के टर्म में बता रहे हैं, अभी आपका प्रेशर के टर्म में नहीं बताए हैं, प्रेशर के टाइम में भी बताएंगे, पहले हम लोग टेम्परेचर के टाइम में समझ लेते हैं। मेल्टिंग हो गया, अब इसको हम लोग और क्या कहते हैं, गलम गरम करते, गरम करना मतलब बॉइलिंग करना, बॉइल करना मतलब क्या बनता है आपका, वेपर बनता है, वेपर बनना मतलब वेपोराइजेशन, जैसे ट्रांसपिरेशन वेपोराइजेशन, ओके, वेपर बनता है इसलिए वेपोराइजेशन, क्या बोलेंगे हम लोग, भाग तभी मिट मिट चलेगा ना, तू तू चलेगा, चल वेपराइजेशन, ठीक है, VAPOURISATION वेपराइजेशन। अब हम लोग क्या किया, हम गैस को ठंडा किया मतलब कंडेंस कंडेंसेशन, ठीक है, इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं और एक और बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं इसका, फ्यूजन, हाँ, एक लैटेंट हीट, सॉरी लैटेंट हीट बोल रहे, अभी लैटेंट हीट तो आगे आएगा, ठीक है, फ्यूजन वेपराइजेशन उसमें आएगा आपका, लेकिन वो तो अभी नहीं देख रहे, अभी हम टेम्परेचर बेसिस पे देख रहे हैं, टेम्परेचर बेसिस पे देख रहे हैं, अभी हम क्या बोले आपको, हमको पता है कि आपको घंटा को समझ आया, तो उस पर गौर ना करें, अब इस पे गौर करें। तो लिक्विड से सॉलिड जाता है, तो लिक्विड से जब आपका सॉलिड जाएगा तो क्या होता है, और ठंडा करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपको बोलते हैं फ्रीज हो जाता है, ठंडा कप का पानी ठंडा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अब यहाँ पे जो हमें आपका जो ये डायरेक्ट जो आपका सरकार दिखा दिया मैं, तो वो आपका जो है आपका एनसीईआरटी में मिलेगा, क्या नाम से आपका दोनों जो मिल जाएगा आपको, सब्लिमेशन, फिर लग पाऊ आ रहा तुमको तेरी, चल तेरी, ये भी सब्लिमेशन, और इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं, क्योंकि आपका गैस से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है आपका सॉलिड बनने में, मतलब इकट्ठा होता है, वही ना, डिकम्पोज मतलब क्या हो जाता है कि इकट्ठा करते हैं हम लोग, और उसको फिर अलग फॉर्म में चेंज होता है उसको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। लेकिन आपको जो अभी एनसीईआरटी में मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा? सब्लिमेशन भी मिल, सब्लिमेशन ही मिलेगा सर, सब्लिमेशन ही बोलते हैं ना उसको, स्पेलिंग, स्पेलिंग, ये स्पेलिंग भी ना इंसान का जान मार देगा ये जींस। एक तो हम लोग कह रहे हैं हिंदुस्तानी, उसमें ही बोलता है कि तुम लोग को हिंदी पढ़ना, सब्लिमेशन ME हो जाएगा, मतलब मिटा देना चाहिए, चाहे तो अपने दिमाग में रखते हो सब्लिमेशन। This is called to sublimation, okay? Okay. Decomposition हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका decomposition। अब यहाँ पे हम लोग समझ गए कि normal solid में होगा, normal liquid में, normal gas में। तो gas और solid का जो relationship आया कि gas को हम solid में बदल रहे हैं, solid को gas में बदल रहे हैं, तो कहाँ से उसको कौन सा substance में होता है वो समझना जरूरी है। अब ये तो आप सिंपली लिक्विड हो, इसको वाटर लेकर समझ सकते हैं, वाइस आइस वाटर वाटर वेपर, okay? Is it clear? Yes, clear. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल, ठीक है। और आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वाटर होता है वो होता है आपका 100 डिग्री, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग बात है, अगर वो आपका कुछ भी उससे आगे कम होता है, मतलब कि सिंपल भाषा में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसको केल्विन स्केल में लिखेंगे तो 373 और ये हो जाएगा 273 केल्विन, केल्विन हो गया, ठीक है। यह आपका केल्विन में ये है, डिग्री सेल्सियस में है, और डिग्री फारेनहाइट पे भी निकाल सकते हैं, जो हम आपको फॉर्मूला बताया कि 9/5c + 32 उससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका। अब सब्लिमेशन वाला चीज देख सकते हैं हम लोग, चेंज स्टेट में आएगा आपका उसका सब टॉपिक जो है आपका क्या है, सब्लिमेशन। बहुत जगह होता है ना कि पहले सब्लिमेशन बता दिया जाता है, उसके बाद आपको समझाया जाता है, उससे अच्छे समझ में आता बोलते हैं। लेकिन अगर आपको हम समझा दिए पहले कि सब्लिमेशन का इस्तेमाल कहाँ है, कैसा है, तो आपको झटक से समझ में आ जाएगा। तो अब जो हमारा सब टॉपिक सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहाँ होता है देखिये, तो जिस सब्सटेंस में सब्लिमेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिम बोलते हैं। सब्लिम क्या हो गया हमारा, the substance in which sublimation happens, ये हो गया आपका सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। सब्लिम हो गया आपका सब्लिमेशन, सब्लिम जो जिस सब्सटेंस में होता है कैसा सब्सटेंस होता है आपका, अमोनियम क्लोराइड, नॉट अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अमोनिया हो जाता है आपका NH3 और अमोनियम हो जाता है आपका NH4, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसको एक ना करे नहीं तो आपका पेपर में आपका आपका जो एक आने वाला वो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो आपका हो जाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल हो गया। अब वो और हो गया आपका CO2 का जो हम लोग कहते हैं ड्राई आइस, क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस, और बहुत कुछ है आपका। और अमोनियम क्लोराइड हो गया जो आपको मेनली, जो आपको कुछ एस्टर का आपका एक्सपेरिमेंट दिखाया होगा, एक फनल रखा है, यहाँ एक चाइना डिश है, इसको क्या बोलते हैं चाइना डिश, लेकिन बॉयकट चाइना, ओके। इसके अंदर क्या करते हैं यहाँ पे जो है हम लोग क्या रख देते हैं, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड रख देते हैं, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, यहाँ नीचे एक थोड़ी ट्राइपॉड रख देते हैं, इसको यहाँ पे ट्राइपॉड पे यहाँ पे हम लोग गैस का ऊपर रखते हैं, जो आपका गैस होता है, यहाँ पे हम लोग बर्नर रखते हैं, यहाँ से आग जलेगा हमारा, यहाँ से जो उसका गैस से कनेक्टेड है आग जलेगा हमारा, मस्त सा बन गया है। तो जब यहाँ से जब हीट प्रोवाइड होगा तो गर्म होकर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड था क्या बनेगा, गैस, लिक्विड नहीं बनेगा। इसलिए जो आपका जो होता है ना, जो हम लोग देखते हैं कि आइसक्रीम वाला आता है मस्त घंटी रहता है, आइसक्रीम खा जाते हैं, उसमें भी ड्राई आइस होता है, क्यों, क्योंकि अगर आपका जो CO जायस होता है क्या करेगा आपका, डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड बन, लिक्विड सॉलिबल, सॉलिड टू गैस बन जाएगा, वो आपका लिक्विड नहीं बनेगा, इसलिए जब भी उसको खोलेंगे तो क्या कर जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो लिक्विड बनता तो फिर वैसे क्या हो जाता कि वो वहीं रहता, और जो आपका आस पास का सराउंडिंग का जो है, सराउंडिंग का जो भी आपका बर्फ बचा है उसको भी क्या कर देगा, धीरे धीरे वो ठंडा कर देता, गर्म कर देता। इसलिए वहां पर क्या होता है हमारा यूज, ड्राई आइस यूज होता है, जो हम लोग आइसक्रीम खाने वाले जिसके पास जाते हैं, जो आइसक्रीम वाला का जो बड़ा बड़ा बॉक्स होता है ड्राई आइस होता है। और इसमें क्या होता है आपका जो ये उड़ेगा, उड़ेगा ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपका एच पे जमा हो जाएगा, सॉरी एच पे आपका ये यहाँ पे कलेक्शन चालू हो जाएगा,
ठीक है, आप बस ये आप डायस को, डायस तो आप लोग यहाँ सीआईडी में भी देखे होंगे सर। सीआईडी में कौन सा एपिसोड देखता है याद नहीं, उसमें दिखाता हूँ पहला बार वही डायस सुनते हैं तो अजीब लगता है, वो ऐसा आई जिसको छूने से हाथ आपका जल जाए, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो हम आपको ये बताएंगे टेम्परेचर कम होने से कैसे हाथ जलेगा, वो अब आपको दिखाते हैं हम। ये तो सब्लिमेशन हो गया। अब जो हमारा जो एक टॉपिक आता है वो आ गया आपका लैटेंट हीट। क्या आ गया? लैटेंट हीट। तो हम तो सोच रहे कि वीडियो का लेंथ तो बहुत बड़ा हो गया, तो लैटेंट हीट जो है उसको हम लोग जो है लैटेंट हीट बचा है, और हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बचा है, और हमारा एक क्या टॉपिक बचा है, इवापोरेशन और बॉइलिंग। वो दोनों भी अलग अलग चीज है, एक ना करें उसको, एक करने से आपके सेहत और आपके पेपर और आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर, आपके माँ बाप, ठीक है, माता पिता, पेपर जो आप लोग समझ ही रहे हैं, और सेहत, शरीर खराब हो जाए तो सेहत तो हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नीचे जाके दबाए जरूर घंटा, ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।